Good morning, everyone. Today we are going to start first topic of accounts, and that is double entry system. तो हमारा ये सबसे important topic है accounts का, जो हमारा double entry system है, पूरा का पूरा account हमारा इसी double entry system पर ही base करता है. हमारा जो पूरा account का basic level है जो वो double entry system है. जो plus one के accounts है, 11th class के accounts है, वो start कहाँ से होती है? Double entry system से. आपको general entry करनी है, ledger बनाने हैं, balance sheet बनानी है, तो वो सब सबसे बाद में आएगा. आपको उन सब का basic सीखने के लिए सबसे पहले double entry system को सीखना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम समझते हैं what is double entry system. Meaning, each and every transaction in a business affects at least two accounts and in opposite direction. The meaning of double entry system is that business, each and every transaction of the business, हमारे business में कोई भी transaction, किसी भी तरह की कोई transaction हो रही है, तो उसका effect कहाँ कहाँ पड़ेगा? At least minimum of two accounts, and these accounts are in opposite directions. Suppose opposite direction का meaning यहाँ पर होगा कि अगर हमारा कोई ना कोई account positive side से affect हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई दूसरे negative side से भी affect हो रहा होगा. Suppose हमारे business में assets होती है और liabilities होती है. अब आपको पता ही होगा accounting की एक equation होती है, asset is equal to liability plus capital. तो assets always liability plus capital के equal होती है. Assets are always equal to liabilities plus capital. तो अगर हमारे business में किसी transaction की वजह से अगर कोई भी asset increase हो रही है, तो या तो हमारी कोई ना कोई asset डिक्रीज हो रही होगी, या फिर उसका सेकेंड इफेक्ट क्या हो सकता है कि कोई ना कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी. तो इट इज ऑलवेज अफेक्टिंग टू अकाउंट्स. तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है? कहीं भी टू अकाउंट्स पे, जिसमें से हम वन अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट. और दूसरे अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट. डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, उसके बारे में अभी हम अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स के पढ़ेंगे. अभी हम फिलहाल यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग समझा हमने. डबल एंट्री सिस्टम का तो एक्चुअल में मीनिंग क्या हुआ कि हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन, किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन होती है, तो उसका अफेक्ट मिनिमम टू अकाउंट्स पर होता ही होता है. एंड दैट अफेक्ट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन. बट इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये है कि डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग ये नहीं है दैट वी हैव टू record any transaction two times. We should not record the entry two times. We have to record its amount two times. Amount means one, if amount once is debited, then again कहीं ना कहीं हमें उस अमाउंट को क्या करना होगा? क्रेडिट. तो हम डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग इसके नेम के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि एंट्री को डबल कर दो, कि एंट्री को टू टाइम्स लिख दो, ना, बिल्कुल भी नहीं. इसका एक मीनिंग ये है कि हमें इसकी अमाउंट की एंट्री अमाउंट को दो बार लिखना है. एक बार क्या करना है? डेबिट. एंड अदर टाइम इज क्रेडिट. वी हैव टू क्रेडिट वंस एंड वी हैव टू डेबिट देन अगेन. तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे. सपोज हमारा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000. अब हमने क्या किया है? हमने किया है गुड्स परचेज फॉर ₹25,000. तो अब यहाँ पर हमारे दो केसेस हैं, नंबर वन इन कैश एंड नंबर टू ऑन क्रेडिट. तो हमारे यहाँ पर टू केसेस कौन से हैं? That we have purchased goods in cash and we have purchased goods on credit. तो हमारा first case क्या हुआ? In cash. अगर हम goods को cash में purchase करते हैं तो क्या होगा? हमारे कौन कौन से two accounts affect होंगे? अगर हमने goods purchase की है तो obviously number one is goods account and the another account which will affect here is cash account. क्योंकि हमारा कैश जा रहा है. तो यहाँ पे कौन कौन से टू अकाउंट्स अफेक्ट हुए? गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. एंट्री विल बी गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट. इसको, ये एंट्री हम सीखेंगे बाद में जब हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगे. तब तक के लिए अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि कौन कौन से टू अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. और हमारा इसी एग्जाम्पल का सेकेंड केस था दैट वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम. हम क्या कर रहे हैं? मिस्टर राम से गुड्स क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं. मतलब अभी हम उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम उनको पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? मिस्टर राम अकाउंट हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे. हमें उनको अमाउंट ड्यू कर सॉरी हमें उनको अमाउंट अभी पे करनी है. तो यहाँ यहाँ पर हमारे कौन कौन से टू अकाउंट अफेक्ट होंगे? नंबर वन इज गुड्स अकाउंट एंड द
अनदर अकाउंट इज मिस्टर राम अकाउंट. गुड्स अकाउंट क्या हुए, क्योंकि हमारे पास बिजनेस में गुड्स परचेज की तो गुड्स आई, और मिस्टर राम का अकाउंट किस तरह से अफेक्ट हुआ, क्योंकि मिस्टर राम हमारे क्रेडिटर बन गए, हमारी लाइबिलिटी उनकी तरफ बढ़ गई. तो अगर हमारे पास एसेट आई तो हमारी दूसरी साइड लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल. अभी हम इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. दैट वी हैव पेड रुपीज 25,000 टू मिस्टर राम. अब हमने फर्स्ट केस में, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, मिस्टर राम से गुड्स क्रेडिट में परचेज की थी. तो क्या हुआ था जब हमने उनसे गुड्स परचेज की थी, तो कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए थे, गुड्स अकाउंट एंड मिस्टर राम अकाउंट. बट क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मिस्टर राम को पेमेंट कर रहे हैं, जब हम उनको पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कौन कौन से टू अकाउंट्स अफेक्ट होंगे. अब हमने पेमेंट किया तो ऑब्वियसली एक तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, और सेकेंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, एंड दैट विल बी मिस्टर राम अकाउंट. अब हमारे वहां ऊपर मिस्टर राम अकाउंट के, मिस्टर राम वॉज क्रेडिटर बिफोर. अब हमने क्या करना है, मिस्टर राम को पेमेंट करनी है, तो हमारे मिस्टर राम के लिए लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी एंड हमारे अकाउंट से कैश जाएगा. तो हमारी एंट्री हो जाएगी मिस्टर राम टू कैश अकाउंट. एंट्रीज को हम जब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगे तब समझेंगे. अभी के लिए हमने ये समझा कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से टू अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, मिस्टर राम एंड मिस्टर राम एंड कैश अकाउंट. सो आई होप आप सबको समझ आया होगा. अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. Bye.